गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास इन न्यूराजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आपकी ईवीएस टीचर। बेटा, अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था, प्लांट अराउंड अस, यानी पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ या हमारे चारों ओर। ओके, आपने उसमें हार्डवर्क कर लिए थे अपने, और मैम ने आपको चैप्टर की जो हिंदी होती है वो भी करवा दी, आपको करवाई थी ना कल, समझाई थी अच्छे से बेटा, और आपको होमवर्क भी दिया था ना, सबने कर लिया। ओके, सबने कर लिया होगा क्योंकि आप स्मॉल चिल्ड्रन नहीं हो ना, अब आप बड़े होते जा रहे हो। ओके, अपना क्या रह गया था अब बेटा, पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से प्लांट में पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या डिफरेंट वर्क होते हैं और वो किस काम में आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पहले इसके पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं एक बार हम मोटे तौर पर इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है रूट्स। रूट्स मीन्स होता है जड़, जैसे ये देखो प्लांट में दिख रही है, आपको दिख रही है ना, तो इसको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रूट्स, ROOTS, रूट्स। ओके, सेकंड है स्टेम्स, जो मैंने कल आपको बताई थी। स्टेम्स किसको बोलते हैं? जब ट्री के जो बीच का साइड होता है ट्री का, ये तो इसको स्टेम बोलते हैं। फिर ये स्टेम थिक होती है तो क्या बन जाती है? ट्रंक बन जाती है। तो ये स्टेम्स होती है, इसमें प्लांट में कौन सी होती है स्टेम? जो बीच का ये होता है, बीच का जो मिडिल पार्ट होता है ये स्टेम्स है, STEMS, स्टेम्स। आपको ये प्लांट की पिक्चर भी बनानी है और इसके लेवल भी, ये कौन कौन से लेवल है हमने पढ़े वो भी आपको ड्रॉ करके लिखने हैं। ओके, जैसे मैम कर रही है। नेक्स्ट लीव्स। लीव्स मैंने पत्तियां, पत्तियां तो सभी जानते हैं बेटा, जानते हो ना पत्तियां कौन सी होती हैं? लीव्स, LEAVE, लीव्स। लीव्स पत्तियों को बोलते हैं, बहुत सारी, इसलिए हमने एस लगाया है, ठीक है? नहीं तो लीव बोलते हैं, एक पत्ती होती है सिंगल तो लीव बोलते हैं, पर ये बहुत सारी ना, और लॉट ऑफ, तो इसके लिए हमने लीव्स लगाया है, ठीक है? नेक्स्ट ब्रांचेस। ब्रांचेस आप जानते हो, ब्रांचेस कौन सी होती है? जो ये जिस पे लीव्स आती हैं, इसके ऊपर ये होती है ब्रांचेस। ओके, आप ब्रांचेस भी बहुत है ना, तो ये क्या है? ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस माने शाखा। क्या होता है ब्रांचेस? मीन्स शाखा। नेक्स्ट फ्लावर। फ्लावर तो सभी जानते हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर देखे हैं और हमने अभी रीड भी किया है, रोज फ्लावर, ट्यूलिप फ्लावर, हिबिकस फ्लावर, हमने चैप्टर में पढ़ी थी ना कल, ठीक है? फ्रूट्स। फ्रूट्स तो सभी जानते हैं, फ्रूट्स प्लांट होता है, प्लांट में फ्रूट्स तो लगते ही है ना, एप्पल प्लांट होता है, मतलब ट्री, पर वो बाद में जाके तो बड़ा ट्री बन जाता है, पर जब छोटा होता है तब तो देखा है ना छोटे छोटे प्लांट, उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं, फिर वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके फ्रूट भी बड़े होते जाते हैं और वो बिग ट्री बन जाता है, और ट्री के अंदर आपने देखा बहुत सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे मैंगो का हुआ, सपोज करो मैंगो ट्री हुआ तो इसके अंदर मैंगो ही मैंगो दिख, आपको मैंगो 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 दिखेंगे, आपको दिखते हैं ना आपके कई बच्चों के आसपास भी लगे होते हैं ट्री, कईयों के गार्डन में भी लगे होते हैं, किसी कई बच्चों के फार्म होता है उनके अंदर भी लगे होते हैं ट्री, उनमें बहुत सारे फल होते हैं, चाहे वो एप्पल का हो या मैंगो का हो। ओके, नेक्स्ट है अपना फ्रूट। फ्रूट तो अपने पढ़ लिया, फिर सीड। सीड माने तो बीज। अब बीज देखो कहाँ होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले सॉइल होती है ना, उसके अंदर ही तो हम बीज कर बीज को डालते हैं। जब सॉइल को, सॉइल के अंदर हम बीज डालेंगे और वाटरिंग करेंगे पानी, और इधर से सनलाइट आएगी, कल आपको एक्सप्लेन भी किया था, इधर से सूर्य की रोशनी आएगी और पानी, जब हम इधर से पानी डालेंगे, आप वाटरिंग करते हो ना प्लांट में, हम पानी डालेंगे जग से या जिससे भी, वाटर कैन से, किसी से भी डालेंगे, तो ये क्या होता है, जब सीड है ना, धीरे 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 क्या होता है, क्या हो जाता है, छोटा पौधा बनता है, तो वो क्या होता है, क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, छोटा जो पौधा बन जाता है उसको बोलते हैं सैपलिंग। जैसे ये सीड हुआ, अब सीड में से छोटा सा मतलब पौधा बनेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, आपने देखा है कई कई खेतों में देखा है, खेतों जो आसपास नियर होते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई भी फल, कोई भी फ्रूट्स वगैरह उगाने दिया, किसी की भी बेल लगानी होती है, तो पहले छोटा बीज, बीज को क्या करते हैं मिट्टी में डालते हैं, फिर बीज से थोड़ा सा पौधा छोटा सा बन जाता है, उसको निकाल के वो दूसरी जगह करते हैं, तो वो कहते हैं सैपलिंग कहलाती है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये क्या करते हैं, जब ये छोटा सा बन जाता है, फिर छोटा बनते बनते ये क्या करता है, इसके जब ये बड़ा होता है तो इसकी रूट्स है ना ये अंदर फैल जाती हैं, कहाँ पर, सॉइल के अंदर, और ये धीरे 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 बड़ा होने लगता है, और ये रूट्स ये ना इसको स्टैंड रखती है, किसको, इस प्लांट को, क्योंकि रूट से ही तो जुड़ा होता है ना प्लांट, ठीक है? अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, कि जब हमने इसको मोटे तौर पर पढ़ लिया कि ये चीजें पार्ट्स ऑफ प्लांट में होती है, अब इनका क्या काम है, अब वो हम डिफरेंट फंक्शन पढ़ लेते हैं कि रूट्स क्या करती है, लीव्स क्या करती है, ब्रांचेस शाखा क्या करती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में भी, ब्रांच मींस शाखा, स्टेम मींस तना, ये फ्लावर तो सब जानते हैं, फूल, जो भी फूल का पौधा होता है, लीव्स माने पत्तियां, बहुत सारी है ना बेटा, इसलिए हमने पत्तियां, रूट्स माने जड़,
अब प्लांट माने तो आप जानते ही हो पौधा होता है। ओके चलिए अब अपन चलते हैं बुक के ऊपर। ओके लेट्स स्टॉप। पेज नंबर आपका बुक का है 22। आप आएंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट जो हमने अभी बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया था मैम ने। अब हम आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स। आपने अभी पढ़े कि प्लांट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दीज आर एज फॉलो। अब यहाँ पर वो दिए हुए हैं ठीक है। फर्स्ट है रूट्स। रूट्स क्या करती है? रूट्स मीन्स होता है जड़। अभी हमने यहाँ एक्सप्लेन किया रूट्स मीन्स जड़। ओके चलिए इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो आप रूट्स को कहाँ देख रहे हो आप जी? इतना सॉइल होती है, यहां तक सॉइल होती है ना, सॉइल होती है ना ये मिट्टी। अब मिट्टी के अंडरग्राउंड ही तो होता है इसका पार्ट। कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर ही तो होता है। अंडरग्राउंड माने अंदर। द रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। अब जो रूट्स होती है ना ये कहाँ फिक्स होती है? कहाँ, किसके अंदर रहती है? सॉइल, मिट्टी के अंदर। ये रूट्स मिट्टी के अंदर ही। ऊपर आपको कभी दिखाई दे रही है प्लांट्स की? नो, जो रूट्स होती है वो हमेशा सॉइल का मतलब मिट्टी के अंदर होती है ठीक है, अंडरग्राउंड होती है। गॉट इट? नेक्स्ट दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल दैट हेल्प द प्लांट टू ग्रो। अब जो आपकी ये देखो रूट्स है ना, अब जब हम इसमें पानी देते हैं और कोई भी हम इसमें जैसे खाद वगैरह डालते हैं, आपने देखा है ना एंटीसाइड्स वगैरह, कीटनाशक दवा वगैरह कुछ भी डालते हैं जिससे इनमें कीड़े ना लगे, या इसमें और हम इसको ग्रो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूरिया वगैरह आप डालते हो, डालते होंगे आपके आपके आसपास देखो, या कई बच्चों के आप घर के आसपास मतलब जो बालकनी होती है ना उसमें भी कई पेरेंट्स क्या करते हैं बालकनी में टमाटर के पौधे, मिर्ची के पौधे लगा लेते हैं। तो क्या देखो उसमें क्या करते हैं, जब ये सॉइल होती है ना, जो ये रूट्स होती है, अब ये सॉइल है ना, सॉइल जब हम पानी डालते हैं इसमें जो खाद डालते हैं तो ये जो रूट्स होती है ये एब्जॉर्ब करती है किसको, जो पानी होती है, जो मिनरल होते हैं, जो इसमें हम जो भी हम प्लांटिंग करते हैं, जो भी हम इसमें डालते हैं ना, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी, तो ये रूट्स है ना इसको एब्जॉर्ब करती है और कहाँ तक ले जाती है? प्लांट तक और प्लांट की लीव्स तक। ये एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाती है इनके मिनरल्स को? प्लांट और प्लांट की लीव तक। क्यों? क्योंकि जब एब्जॉर्ब कर लेगी तभी तो ये प्लांट बड़ा होगा, जब उसके अंदर बहुत सारे, जैसे आप बड़े होते हो, बड़े कैसे होते हो? आप फूड खाते हो, आप मिल्क करते हो, तो आपके अंदर ही जाता है ना वो। ऐसे ऐसे जैसे आपकी बॉडी है ना, तो इसकी बॉडी का मेन पार्ट क्या है? ये रूट्स है। रूट्स के थ्रू ही जाता है इन प्लांट के और लीव्स के अंदर। जब ये इनके अंदर जाता है तो ये धीरे 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 अपने आप को ग्रो करती है। गॉट इट? सेकंड स्टेम्स। स्टेम्स मैंने बताया था अभी, तना। स्टेम्स को बोलते हैं तना। इट ग्रो अबव द ग्राउंड। अब देखो तना, तना आपको कहीं रूट्स के नीचे दिखाई, वो सॉइल के अंदर दिखाई दे रहा है क्या आपको बेटा? नहीं ना, ये देखो सॉइल के ऊपर है, क्योंकि अपन इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं ना तना, तो ये सॉइल के ऊपर यानी कहाँ, ग्राउंड के ऊपर होता है। ओके नेक्स्ट इट सपोर्ट द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। ये तना क्या करता है? इसको सीधा खड़ा करने, स्टैंड स्ट्रेट अपन बोलते हैं ना, स्टैंड स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाओ। तो जब तना को सीधा खड़ा करने के लिए किसका सबसे मेन पार्ट है? स्टेम्स का। स्टेम्स अगर वीक होगी ना तो वो कभी खड़ा हो ही नहीं पाएगा आपका पौधा, कभी इधर मुड़ जाएगा कभी इधर हो जाएगा ऐसे, और टूट जाएगा फिर, है ना। तो स्टेम्स है ना वो मेन होती है किस किसके लिए? आप अपने प्लांट को स्टैंड स्ट्रेट करने के लिए। गॉट इट? इट ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। और ये ट्रांसपोर्ट करती है मतलब वितरण करती है फूड को किसके लिए? जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट इसमें जब फूड का काम होता है ना, जब ये लीव्स फूड बनाती हैं, तो इसमें लीव्स बना फूड को वितरण करने का काम कौन करती है? ये स्टेम्स। भाई रूट्स है ना, रूट्स इससे जुड़ी है ये स्टेम्स, तो जो भी मिनरल हम एब्जॉर्ब करेंगे तो ये स्टेम्स के थ्रू ये लीव्स में जाएंगी, और लीव्स लीव्स और लीव्स में जाएंगी और प्लांट में जाएंगी, तो प्लांट ग्रो करेगा। और लीव्स क्या करती है? फूड को प्रिपेयर करती है, जो हम अभी पढ़ेंगे। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आप इनके और आगे पढ़ोगे पढ़ोगे आप इसके आगे और जो डिफरेंट मतलब इसका जो लीव्स का क्या क्या वर्क है, लीव से फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कैसे वो अपना खाना कन्वर्ट करती है, लीव्स मतलब कैसे बनाती है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। अभी आप छोटे इसलिए छोटे लेवल में ही पढ़ रहे हैं। ओके चलिए लीव्स। इट प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। और ये फूड लीव्स है ना, लीव्स ये क्या करती है? फूड बनाती है। किसका? लीव्स का वर्क क्या है? फूड बनाने का। यहाँ से मिनरल और वाटर लेती है, जो आपकी जो रूट्स है इससे स्टेम में आता है, और स्टेम लीव को ट्रांसफर करती है। स्टेम किसको कर देती है? ट्रांसफर लीव्स को। और लीव्स फिर क्या करती है? लीव्स फूड बनाती है। गॉट इट? समझ में आया? लीव्स क्या करती है? फूड फूड बनाती है। इसीलिए
लीव्स को किचन प्लांट भी कहा गया है। लीव्स को क्या कहा गया है बेटा? किचन प्लांट। क्यों? क्योंकि हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं ना। तो ऐसे ही जो खाना बनाने का कार्य, जो फूड बनाने का कार्य कौन करता है? लीव्स करती हैं, इसलिए इनको किचन का प्लांट भी बोला जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट है ब्रांचेज। दीज हेल्प द लीव्स टू गेट प्रॉपर सनलाइट। जो ब्रांचेज होती है ना, वो प्रॉपर सूर्य की रोशनी को इन तक पहुंचाने में, कहां तक? प्लांट को पहुंचाने में हेल्पफुल होती है। कौन? ब्रांचेज। गॉट इट? नेक्स्ट फ्लावर। अ फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब आप देखो, आपने देखा होगा कि जो फ्लावर लगता है किसी भी प्लांट में, जब आप कहते हो अरे कितना सुंदर पौधा है, ये तो बहुत ही मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितने फ्लावर सुंदर लग रहे हैं इस पौधे के ऊपर, तो जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना प्लांट का, वो क्या होता है बेटा? फ्लावर होता है। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट प्लांट का कौन सा होता है? फ्लावर। क्योंकि जब हमारा फ्लावर सुंदर होता है तो हम सामने से ही बोल देते, देखे ही कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं, कितना अच्छा प्लांट है, बोलते हो ना। तो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट आपके प्लांट का कौन सा हुआ? फ्लावर। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा हुआ प्लांट का? फ्लावर। गॉट इट? नेक्स्ट फ्रूट। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। अब देखो, फ्रूट होता है ना, फ्रूट यानी फल, जैसे ही फ्रूट है, FRUIT, ये फ्रूट है। अब ये जब बड़ा होगा ना, जब आप बड़ा हो जाएगा ये, फिर आप इसको कट करके वॉश करके खा लोगे, इसके अंदर एक छोटा सा सीड होता है। आपने देखा होगा जिनकी खेती खेती होती है, वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कोई भी फ्रूट्स की, सपोज करो मैंगो का ही एप्पल, मैंगो का ही ट्री लगाया या एप्पल का लगाया, तो जब उनकी मैंगो खा लेते हैं ना, उसके बाद कुछ मैंगोज बचते हैं, उनको वो बीज बनाने के काम में भी लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं, फिर उनकी जो गुठलियां होती हैं ना, उनको वापस से क्या बना देते हैं? सीड बनाने के काम में या फ्रूट बनाने के काम में लेते हैं। वो जो मैंगो होता है वो आपका जब रख लेते हैं, मतलब जो पेड़ से टूटता है तो इसको रख लेते हैं, फिर इसको सुखा के, और फिर ये बीज का काम करता है, छोटा सा बीज बन जाता है, सीड सीड का काम करता है, और फिर वापस से इससे फ्रूट बना देते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, और वो फ्रूट के अंदर ही होता है। आपने देखा है ना, फ्रूट जब लाते हो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बीज निकलते, सीड होते हैं, जैसे एप्पल लाते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक होते हैं, वाटरमेलन लाते हैं उसमें भी ब्लैक होते हैं, आम लाते हैं उसके अंदर भी गुठली होती है, गुठली होती है ना, ऐसे आम की गुठली होती है ना, आम के अंदर गुठली, और जैसे और कौन से होते हैं, कई मतलब फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं, जैसे आप पपीता लाते हो, पपीते के अंदर भी बीज होते हैं ना, सारे फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, और वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में बन जाते हैं, और फिर फ्रूट को सुखा के उनके बीज को प्रिपेयर कर लेते हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है अपना सीड। द सीड ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट। अब देखो, अभी आपने देखा ये हमारा प्लांट किससे ग्रो कर रहा है? भाई सीड से तो कर रहा है, हमने सॉइल के अंदर मिट्टी, सॉइल मीन्स होती है मिट्टी, मिट्टी के अंदर हमने किसको डाला था अंदर? ये बीज को, सीड को, सीड को ही तो डाला था मिट्टी के अंदर, तभी तो हमारा प्लांट बना। तो ऐसे ही जो सॉइल सीड होता है ना, वो क्या करता है, न्यू प्लांट को जन्म देता है, मतलब नया पौधा बनाता है। ओके? दे आर द फ्यूचर प्लांट, और वो भविष्य का नया पौधा बनता है। फ्यूचर माने भविष्य, आप जानते हो, आपने टेंस पढ़े होंगे, तो फ्यूचर मीन्स भविष्य का। जैसे ये प्लांट, सपोज करो मैंने ये, सपोज करो मेरे पास ये पपाया का है, पपाया के बीज सीड्स है, पपाया सीड्स, ठीक है, तो इससे मैं किसका पेड़ बनाऊंगी? पपाया सीड से पपाया का, पपाया सीड से मैं किसका बनाऊंगी? पीए 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 वाई ए, पीए पीए वाई ए, पपाया। अब पपाया से मैं किसका, पपाया सीड से किसका पेड़ बनाऊंगी? पपाया ट्री बनाऊंगी। ओके? गॉट इट? मैंगो सीड से किसका बनाऊंगी हम? मैं मैंगो सीड्स बनाऊ, मैंगो ट्री बनाऊंगी। समझ गए? तो जो सीड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक न्यू, क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को बॉर्न करते हैं, जन्म देते हैं, न्यू भविष्य का जो न्यू प्लांट बनता है ना, जो बड़ा होकर जो ट्री बनेगा, वो किससे बनता है? सीड से। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब देखो, जब ये प्लांट है ना, जब लीव्स अपना फूड बना लेंगी और ये प्लांट बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे फूड खाते, जैसे आप बड़े होते हो वैसे ये बड़ा होता जाएगा, और ये बड़ा होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्री में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ट्री में। कल अपने पढ़े थे ना डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, फिर प्लांट्स बड़े ग्रो करते हैं तो ट्री बन जाते हैं। अब देखो, आपकी बुक में ही देखिए बेटा, बुक का नेक्स्ट पेज है, इसमें ट्री की पिक्चर या डायग्राम बना हुआ है, बन रहा है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्री का, जिसमें देखो फ्रूट्स, फ्रूट बने फल, देखो लगे ना मैंगो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ब्रांचेज ये इसकी शाखाएं, देखो एरो इंगित भी किया हुआ है, एरो किया हुआ है इसको, स्टेम्स यानी ट्रंक, रूट्स यानी जड़, फ्लावर यानी फूल, और लीव्स मीन पत्तियां, और पत्तियों को मतलब जो प्लांट का फूड बनाने का काम कौन करता है? लीव करती हैं।
ठीक है, लीव्स ही इनका फूड बनाती हैं, और ये बड़े फूड मिनरल्स वगैरह डिफरेंट टाइप के वो जो अपन डालते हैं यूरिया, उनसे ये बड़े होते जाते हैं खा खा के। जैसे आप अपने आप को ग्रो करते हैं, ऐसे ये अपने आप को ग्रो करता है। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें, फ्लावर, हमारे प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट था फ्लावर। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ बेटा, हार्ड वर्क भी अपने कंप्लीट हो गए, और आपका चैप्टर थर्ड प्लांट अराउंड अस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आप हमेशा क्वेश्चन आंसर करते हो ना, बस बेटा फर्स्ट अपना थिंक एंड आंसर वर्बली सोचो और जल्दी से जवाब दो। वो क्विकली हम कब दे पाते हैं वर्बली, मुंह से बोलने वाले, जब हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, जहाँ समझ में नहीं है वापस वीडियो ऑन करके देखना कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, मैंने छोटी से छोटी बात आपको समझाई है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर को पढ़ने में। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लुक एट दिस पेज नंबर, आपको पता ही है फ्री वाले के नीचे है क्वेश्चन। थिंक एंड आंसर वर्बली। फर्स्ट, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट, हम प्लांट से क्या क्या मिलता है हमें, हम प्लांट से क्या क्या प्राप्त करते हैं। वी गेट माने हम लेते हैं, ये प्राप्त करते हैं प्लांट से। अभी हमने पढ़ा था प्लांट्स हमें फ्रूट्स देता है, प्लांट्स वेजिटेबल देती है, प्लांट से मेडिसिन मिलती है। भाई प्लांट तो देखे ना, कल हमने पढ़े थे मिंट प्लांट भी होता है, तुलसी प्लांट भी होता है, पढ़े थे ना हमने, तुलसी से भी आपको पता है मेडिसिन बनती है। अभी अपन तुलसी के ज्यादा सा देखा होगा, काली मिर्च तुलसी वगैरह की चाय वगैरह पीते हैं आप, दूध में डाल के, हल्दी भी दूध में डालते हो, पीते हो ना इस टाइप से। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी प्लांटों से तो आती है, और कहाँ से आती है, तो हमें वेजिटेबल मिलती है। और हमें प्लांट क्या देते हैं, जो ये प्लांट है ना सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या करते हैं, इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसको छोड़ते हैं, मतलब उसको तो ग्रेड कर लेते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, हम जो गंदी जो अपनी वो होती है हमारे एयर, उसको एब्जॉर्ब ये करते हैं, और इन ये अपने अंदर से हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, हेल्दी बनाओ, प्लांट ग्रो करो मोर देन, क्यों? क्योंकि जब हमारा वातावरण एनवायरनमेंट हमारा बहुत अच्छा होगा, हरियाली हरियाली होगी, तो हमारी जो एयर है ना वो कैसी होगी, पॉल्यूटेड एयर नहीं होगी, क्लीन और फ्रेश एयर होगी। तो हमारी एयर को फ्रेश करने में सबसे मेन पार्ट किसका होता है, प्लांट और ट्री का। वो गॉट इट, समझ में आया? तो प्लांट्स हमें क्या क्या मिलते, क्या क्या देते हैं हमें, डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल मेडिसिन है ना, और ऑक्सीजन गैस देते हैं। गॉट इट। चलिए अब अपन आंसर करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, व्हाई डू वी प्लांट, ओ सॉरी, व्हाट डू वी गेट प्लांट, प्लांट हमें क्या क्या देते हैं। क्वेश्चन बुक में लिखा है बेटा, तो मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी। ओके, आंसर नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, ओके, व्हाई डू वी गेट फॉर प्लांट फ्रॉम प्लांट, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, लिखिए। फर्स्ट, दे गिव अस, वे हमें देते हैं, दे किसके लिए यूज हुआ है बेटा यहाँ पर, प्लांट्स के लिए। दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स वो तो सबको पता है, पता है ना बेटा, हमने चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया है, फ्रूट्स एंड VEGETABLES, बहुत सारे देते हैं ना बेटा, तो हम S लगाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स मीन्स फल और वेजिटेबल मीन्स सब्जियां, ये तो सबको समझ में आता है ना। ठीक है, सेकंड, और हमें क्या देते हैं बताओ बेटा, अभी मैम ने बताया था, दे गिव अस मेडिसिन, MEDICINES, मेडिसिन मीन्स होता है दवाइयां, क्या होता है बेटा, दवाइयां। दे गिव अस मेडिसिन, सम प्लांट, जैसे प्लांट होते हैं ना कुछ मेडिसिन के, सम प्लांट लाइक LIKE तुलसी, TULSI तुलसी और नीम, सॉरी तुलसी और मिंट, आपने मिंट भी देखा है, मिंट मीन्स पुदीना, MINT मिंट, आपने देखा है ना, जब हमारे पेट में दर्द हो जाता है तो हम पुदीने की गोलियां खाते हैं, खाते हो ना, और अभी गर्मी आ रही है तो गर्मियों में पुदीना सबसे ज्यादा ठंडक देता है, तो उसका प्लांट होता है। ठीक है, तो तुलसी जैसे लाइक कौन सी मेडिसिन देते हैं, और भी होते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट जो मेडिसिन देते हैं हमें, पर हम यहाँ पर तो थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, क्योंकि हमने चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सबसे पहले वो क्या देते हैं हमें, फ्रूट्स और वेजिटेबल तो देते ही है। दे गिव अस हमें देते हैं मेडिसिन, ओके, जिसमें मैंने प्लांट भी लिखा दिए। नेक्स्ट, थर्ड, दे गिव प्लांट, दे गिव अस ऑक्सीजन, OXYGEN,
और वुड भी देते हैं हमें, लकड़ी देते हैं ना जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। भाई ये प्लांट है, प्लांट जब बड़ा होगा छोटा तो रहेगा नहीं, प्लांट जब बड़ा होगा तो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्री से ही तो हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है। वुड होता है ना जिससे आप गेट बनाते हो, विंडोज बनाते हो, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, प्लांट्स और ट्री से ही मिलती है ना। कई प्लांट्स इतने तो बहुत मजबूत होते हैं उनसे ही काट लिया जाता है, कई घरों में भी यूज किया जाता है। तो जो लकड़ी होती है ना ये भी कौन देता है हमें, प्लांट, प्लांट से मिलती है। हमें पेपर होता है जिस कॉपी पे आप लिखते हो, जिससे आपकी बुक बनती है, ये भी हमें प्लांट देता है, ठीक है ना। और रबड़ जिसको आप इरेज करने में काम लेते हो, ये रबड़ होती है ना जो आपकी इरेजर, उसको भी हम, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। चाय और कॉफी जो मम्मा सुबह सुबह पीती है, पीती है ना आप भी कभी कभी, कहते मम्मा मेरे को हॉट नहीं, मेरे को तो कोल्ड कॉफी चाहिए, आप बोलते हो ना, तो वो भी हमें प्लांट से मिलती है। तो ऐसे में प्लांट से बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू यू मीन बाय सीड। सीड से आपका क्या मतलब है, या सीड क्या होते हैं। अभी हमने एक्सप्लेन किया था सीड क्या होते हैं। सीड जो सॉइल के अंदर, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं, और वो सीड है ना किसको जन्म देता है, किसको बॉर्न करता है, एक न्यू प्लांट को करता है ना। तो चलिए आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर सेकेंड। देखिए द सीड ग्रो, द सीड्स, सीड्स होता है बीज, इसको बोलते हैं बीज, ठीक है। द सीड्स ग्रो, GROW, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, न्यू प्लांट। सीड्स के अंदर से तो बेटा प्लांट बनता है, आपने देखा है, देखो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। दे आर, फुल स्टॉप लगा देना वहां पर, क्योंकि यहां तक तो फर्स्ट वाला हो गया ना, इसके आगे नेक्स्ट लिखेंगे दे आर, सॉरी दे आर, दे आर द फ्यूचर प्लांट, FUTURE, फ्यूचर प्लांट, क्योंकि आगे जाके ये क्या बन जाता है, प्लांट बनता है। सीड्स धीरे धीरे बड़ा होगा, सैपलिंग होगा, सैपलिंग से धीरे धीरे प्लांट बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट का क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। सेकंड, द सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सीड्स एक नए प्लांट को जन्म देता है, दे आर फ्यूचर प्लांट, उसको हम फ्यूचर प्लांट बोलते हैं, आगे भविष्य का बनने वाला पौधा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट के क्वेश्चन के आंसर थे, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा मल्टीपल चॉइस, जिसको हम MCQs बोलते हैं। कौन से बोलते हैं बेटा, MCQs, और MCQs मतलब जो हमारे सही आंसर होते हैं उनको हमें टिक करना होता है, जो राइट आंसर होते हैं MCQs, जिसमें सिर्फ हमें राइट आंसर को टिक करना होता है। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, मैं क्वेश्चन बुक से रीड करूंगी बेटा, आंसर आंसर है वो लिखवाऊंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर टू मल्टीपल चॉइस, फर्स्ट द प्लांट्स व्हिच क्रीप ऑन द ग्राउंड। अब मैंने आपको बताए थे जो ग्राउंड के अंदर, ये जो ग्राउंड होता है GROUND ग्राउंड, इसके अंदर क्रीप करते हैं ऐसे ऐसे करके, यूं करके, यूं करके, यूं यूं घूमते हुए, यूं, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये वेजिटेबल होती है, क्रीप करते हैं ऐसे, क्रीप करते हैं ना बेटा ऐसे, क्रीप, मैंने आपको बताया था ना। तो क्रीप कौन करते हैं, क्रीपर, कौन करते हैं क्रीप, जो क्रीपर प्लांट होते हैं वो क्रीप करते हैं, आपको बताया था ना। और क्लाइम कौन करते हैं, जो क्लाइंबर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ अपना बेटा, क्रीप। देखो पहला है क्लाइंबर, तो क्लाइंबर तो नहीं, क्योंकि क्लाइंबर तो क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं, ट्री होगा नहीं। थर्ड का क्या हुआ, क्रीपर। तो राइट आंसर क्या है हमारा बेटा, सेकेंड वाले का, फर्स्ट का आंसर क्या है, क्रीप, CREEP, क्रीप, क्रीपर। क्रीप कौन करता है, क्रीपर प्लांट करते हैं। अभी अभी बताया था ना मैंने कि ग्राउंड के अंदर, और कल भी एक्सप्लेन किया था। सेकंड, शब्स आर, शब्स कैसे प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो हर्ब्स होते हैं वो तो स्मॉल और सॉफ्ट सॉफ्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, और कम टाइम के लिए जिंदा रहते हैं, या कम टाइम के लिए आते हैं, या एक सीजन में ही आते हैं। और जो शब्स होते हैं ना वो होते हैं बुसी प्लांट, यानी जंगली प्लांट के टाइप से, जिनके अंदर छोटी छोटी झाड़ी मतलब कटीली टाइप की होती है, और मतलब जंगली पौधे होते हैं ना इस टाइप से होते हैं, बुसी टाइप के होते हैं, जंगली पेड़ पौधों की तरह, ठीक है, जिनमें आता है रोज प्लांट आता है, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन क्या होगा हमारे, बुसी, BUSH, बाई बुशी, माने जंगली या कटीले, ठीक है। थर्ड, बेनियन पीपल, अब आपको पता है, देखो नाम से पता लग रहा है, बेनियन पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ। अब बेनियन का प्लांट कभी सुना है आपने, पीपल का प्लांट कभी सुना है, नो।
वो तो क्या बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्री में। तो अब हम जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि देखो ट्री, हर्ष, क्लाइंबर और शब्द। देखो क्लाइंबर हो नहीं सकता, हर्ष हो नहीं सकता, शब्द हो नहीं सकता, तो क्या हुआ, ट्री। बनियान और पीपल ट्री होते हैं, आपने पीपल का पेड़ देखा भी होगा। ओके, तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हुआ बेटा, फर्स्ट ट्री, टी आर डबल ई ट्री, टी माने पेड़। फोर, क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू। अब बताओ क्लाइंबर को किसकी नीड होती है ऊपर चढ़ने के लिए, देखो पढ़ो बेटा। थ्रोनी, थ्रोनी माने कटीले। क्रीप, क्रीप मैंने अभी बताया था, क्रीप माने रेंगना, तो रेंगने की जरूरत नहीं होती ना उनको। टॉल यानी लंबा, लंबे तो होते ही है वो। क्लाइंब माने चढ़ने के लिए, क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू। क्लाइंबर मतलब ऊपर चढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लाइंब करने की। उन्हें भाई ऊपर चढ़ेंगे तभी तो क्लाइंब करेंगे वो अपने आप को, फिर उनको एक सपोर्ट दे देते हैं उनको, ठीक है। तो किसके क्या आ जाएगा इसमें, क्लाइंब, क्लाइंब माने चढ़ना। जो क्लाइंबर वाले पौधे हैं ना उनको क्लाइंब करने की जरूरत होती है, क्रीप करने की नहीं। गॉट इट। अब अपना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द फंक्शन। अभी अपने फंक्शन पढ़े थे ना बेटा, कि रूट्स क्या करती है, लीव्स क्या करती है, सीड का क्या काम है, इस डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो प्लांट के हमने पढ़े, अभी रीड किए थे, किए थे ना। अब हम इसके जो फंक्शन है ना इनको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। भाई हमें पता होना चाहिए ना कि फूड का क्या, हमने रीड भी कर लिया, हमें पता भी लग गया। तो अब हम यहाँ पर अपनी बुक के पहले बुक के अंदर भरना, फिर कॉपी के अंदर। आपकी बुक में जो मैं चैप्टर करा रही हूँ वो बुक के अंदर भी होना चाहिए बेटा, ठीक है, फिर आप इसको कॉपी दे। गॉट इट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा रूट्स, के रूट्स का क्या काम है, ठीक है। तो हम रूट्स का करते हैं सबसे पहले। रूट्स का आपको बताया भी था कि रूट्स का क्या काम था, रूट्स एब्जॉर्ब करती थी। फर्स्ट फंक्शन ऑफ, राइट फंक्शन ऑफ, राइट फंक्शन, FUNCTION फंक्शन ऑफ फॉलोइंग जो दी हुई है। फर्स्ट है रूट्स, ROOTS, roots, roots होती है जड़, जिसको बोलते हैं हम जड़, ठीक है। जड़ क्या करती है बताओ, देखो हमने अभी चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, लिखो, दे एब्जॉर्ब, दे एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड, आर अच्छे से बना लेने बेटा है ना, मिनरल, MINERALS, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल, दैट फ्रॉम द सॉइल दैट हेल्प, HELP, हेल्प द प्लांट, That help the plant to grow, to grow. अब देखो roots है ना, roots यही तो कर रही है, क्या कर रही है, absorb mineral और water को और plant को बढ़ने के लिए मदद करती है, ठीक है। Got it? Second है हमारा seeds. Second क्या है हमारा, seeds. अब seeds को हमने अब भी explain किया था ना बेटा कि seed क्या करता है, तो अब हम seed का लिखेंगे, एक नया पौधा बनने के लिए, न्यू प्लांट, PLANT, प्लांट, ठीक है। और क्या करता है बताओ, they are फ्यूचर प्लांट, जैसा कि अभी हमने प्रीड किया था, दे आर फ्यूचर प्लांट, FUTURE फ्यूचर प्लांट, PLANT प्लांट। सीड्स का एक्सप्लेन हुआ कि सीड्स क्या करता है, सीड ग्रो करता है एक न्यू प्लांट को, और वो हमारे भविष्य का बनने वाला पौधा होता है, जो भविष्य में क्या बनता है, जिसका भी हम सीड्स बोते हैं, चाहे वो किसी का भी प्लांट बनाना हो, रोज प्लांट बनाना हो, ट्यूलिप प्लांट बनाना हो, उसी का वो पौधा बनेगा। गॉट इट। थर्ड है हमारा लीफ। अब लीफ तो आपको पता ही है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है ना प्लांट का, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम किसका है, लीफ का, क्योंकि वो खाना ही नहीं दे बनाएगी तो खाना प्लांट कैसे बड़ा होगा, क्योंकि जब भी हमें बड़ा होने के लिए भी तो खाना चाहिए होता है ना, ऐसी प्लांट को बड़ा होने के लिए खाना चाहिए, तो लीव्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो फूड बनाती है। चलिए थर्ड है अपना लीव्स,
मैं इसको इरेज करके बेटा ऊपर लिख रही हूँ, आप देख लेना है ना, ए बी और सी में इधर लिख रही हूँ, ठीक है। लीव्स, लीव्स एल ई ए वी ई है। लीव्स क्या करती है, लीव्स क्या करती है, प्रिपेयर ऑफ फूड। लिखिए इट्स प्रिपेयर, ऐसे लिखिए इट्स प्रिपेयर पी ए, बोल के लिखना बेटा, जिस स्पेलिंग लर्न हो जाए, पी आर ई पी ए आर ई एस, प्रिपेयर्स ऑफ फूड, नहीं प्रिपेयर्स ऑफ, प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, क्योंकि प्लांट के लिए तो बना रही है, इट प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, क्योंकि ये किसके लिए बनाती है, ये लीव्स है ना, वो फूड किसके लिए बनाती है, प्लांट के लिए। कहाँ से, जब सॉइल के अंदर से जो रूट्स है ना, ये स्टेम तक ले जाएंगी, किसको, मिनरल और वाटर को, और फिर लीव तक ट्रांसफर कर देंगी, और लीव्स क्या बनाती है, इनका फूड बनाती है। गॉट इट, समझ में आ गया लीव्स का। अब नेक्स्ट है अपना, लीव्स के बाद अपना क्या है बेटा, स्टेम्स। अब देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेम्स, तो डी वाला हमारा स्टेम्स, डी वाला है हमारा स्टेम्स। स्टेम्स क्या करता है, देखो सबसे मेन पार्ट होता है स्टेम्स का ही, देखो स्टेम इसको क्या करता है, स्टैंड स्ट्रेट यानी सीधा खड़ा रखता है। लिखिए बेटा, इट ग्रो, इट ग्रो जी आर ओ डब्ल्यू एस, ग्रोज, इट ग्रोज मतलब बढ़ाता है, एवव ए वी ए वी ओ वी ई, एवव माने ऊपर, द ग्राउंड, ग्राउंड माने मैदान, मैदान के ऊपर, ठीक है। ये कहाँ होता है स्टेम्स, मैदान के ऊपर या जमीन के ऊपर, इसको मैदान भी बोल सकते हैं, जमीन भी बोल सकते हैं। इट सपोर्ट एस यू डबल पी ओ आर टी एस, सपोर्ट द प्लांट, पी एल ए एन टी प्लांट, टू स्टैंड एस टी ए एन डी स्टैंड स्ट्रेट, क्या रखता है ये, स्टैंड स्ट्रेट एस टी आर, बोल के लिखोगे तो आप मैम की तरह आपको फटाफट लर्न हो जाएगा, ए आई जी एच टी स्टैंड स्ट्रेट, क्या होता है बेटा ये, क्या करता है, स्टैंड स्ट्रेट करता है किसको, इस प्लांट को, कौन करता है बेटा, स्टेम्स यानी तना, सीधा खड़ा करने में, ओके। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड था, वो अपना कंप्लीट हो गया, ए बी सी डी चारों कंप्लीट हो गए। अब हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू क्लाइंब द सपोर्ट नीड सपोर्ट, Why do climb the need support? क्यों होती है आप इस प्लांट को सपोर्ट की जरूरत? तो हम ये क्वेश्चन है ना बुक में दे रखे हैं, हम सिर्फ आंसर आंसर करेंगे। Got it बेटा? हम क्या क्या करेंगे बेटा? आंसर ही आंसर करेंगे। हमारा जो आंसर है, राइट आंसर है, वही लिखेंगे, और आपको बुक में से क्वेश्चन लिखना है और आंसर दोनों लिखने हैं, क्योंकि आंसर तो मैम करा ही रही है, आपको क्वेश्चन बुक से पुटअप करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर लिखो, फर्स्ट मैंने करा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन है, सेकंड, देखो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन सेकंड है, उसका आंसर, क्वेश्चन सेकंड का आंसर, आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। लिखिए बेटा, क्लाइंबर सी एल आई एम बी ई आर, क्लाइंबर कैन नॉट, सी ए एन कैन एन ओ टी नॉट, कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कैसे खड़े नहीं हो सकते बेटा, स्टैंड स्ट्रेट, कैन नॉट एस टी ए एन डी स्टैंड स्ट्रेट, एस टी आर आई एस टी आर ए आई जी एच टी स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज, क्यों नहीं खड़े हो सकते, देखो बिकॉज, क्योंकि देयर स्टेम्स, क्यों नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनकी स्टेम्स कैसी होती है बेटा, वीक होती है, their stems are weak, उनकी stems कैसी होती है, weak, weak means कमजोर, पतली होती है उनकी stems, इसलिए वो खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। they need support, उनको support की जरूरत होती है, सहारे, support माने सहारा, s u double p o r t, they need support टू क्लाइंब अप, क्लाइंब माने ऊपर चढ़ने के लिए उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, सी एल आई एम बी क्लाइंब यूपी आप, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा, वो क्यों नहीं खड़े हो सकते क्लाइंबर अपने आप, तो हमने क्या रीड कर लिया, क्लाइंबर
कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, बिकॉज क्योंकि देयर स्टेम्स आर वीक, उनकी स्टेम्स वीक होती हैं, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम, उनको चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत। आंसर नंबर हमारा है थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की चल रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड का आंसर और ये थर्ड आंसर। थर्ड का आंसर लिखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर क्रीपर, क्रीपर क्या है लिखो। अ प्लांट ग्रो GROW ग्रो, अ प्लांट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ALONG अलोंग द ग्राउंड। आपने देखा है ना जो क्रीपर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर ही तो करते हैं ग्रो अपने आप को, ग्रो अलोंग द ग्राउंड, GROUND ग्राउंड मीन्स मैदान या जमीन। ओके, विथ अ वीक स्टेम्स, उनकी भी स्टेम्स कैसी होती है, वीक होती है, वीक स्टेम्स is called CALLED is called creeper, CREEPER creeper, full stop लगाएंगे। example भी लिखना है, क्यों, क्योंकि example आपको पता होना चाहिए, तो आप फटाफट example तो हमें हर चीज में लिखना चाहिए। watermelon MELON watermelon means तरबूज, और second क्या था, pumpkin 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 होता है कद्दू, ठीक है। ये दोनों क्रीप करते हैं, आपने देखा भी होगा जिनके फार्म होते हैं या आपके आसपास खेत होंगे। आंसर नंबर फोर, आंसर नंबर फोर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री, ट्री की दो विशेषताएं कि ट्री क्या करते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, उनके अंदर क्या गुण है जो उनसे हमें, जो हमें देते हैं या उनसे जो प्राप्त करते हैं हम, उनके अंदर क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि जिनसे उनसे हम कुछ चीजें लेते हैं, वो क्या लेते हैं, उनकी हमें दो विशेषताएं बतानी है। गॉट इट, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री, ट्री क्या करते हैं, दे गिव अस, क्या क्या देते हैं, ये सबने पढ़ा भी, प्लांट और ट्री का भी बताया था मैंने। दे गिव अस ऑक्सीजन, OXYGEN ऑक्सीजन, दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेक एयर प्योर, PURE प्योर। देखो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमारी क्या होती है, जो हमारी एयर है वो कैसी हो जाती है, प्योर यानी शुद्ध, प्योर मतलब शुद्ध, इसका मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। और क्या देते हैं बताओ, वो फर्स्ट ये हमारा हो गया, सेकंड ट्री आर, ट्री आर्स, ट्रीज आर होम्स ऑफ बर्ड, होम ऑफ बर्ड्स BIRDS बर्ड्स, ये जो दे बेटा दे है ना दे, ये ट्री के लिए यूज हो रहा है, जहां पर भी दे जिस क्वेश्चन में यूज होता है ना उसी के लिए होता है। ओके, ट्री आर होम्स ऑफ बर्ड एंड ब्लीड बीस्ट, एंड बीस्ट BEASTS बीट्स, बीट्स बोलते हैं जानवर को, बीट्स किसको बोलते हैं बेटा, जानवर। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो हर चीज की फॉर्मेशन या स्पेलिंग चेंज हो जाती है, गॉट इट, जैसे रेड की माउस हो जाती है, ऐसी बैट्स मीन्स एक तो खेलने वाला बैट होता है, दूसरा चमगादड़ भी होता है, तो ऐसे इसके मीन्स भी चेंज हो जाते हैं। ट्रीज आर होम्स ऑफ बर्ड एंड बीस्ट, ट्री देता है होम्स किसको, देखो बर्ड को, आपने देखा है ना अभी नेक्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर पढ़ाया था कि जो बर्ड है ना वही एक ऐसा एनिमल है, वो ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, नेस्ट बनाता है, तो वो ट्री के ऊपर ही तो बनाता है, तो ट्री क्या देता है, ट्री आर होम्स ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट, ठीक है। जानवरों के लिए जो घर बनते हैं, सेल्टर बनते हैं, वो भी किससे बनते हैं, ट्री से तो बनते हैं। व्हाट इट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच व्हाट इज द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस बता कहना है, कह रहा है वो, बिटवीन हर्ब्स एंड शर्ब्स, शर्ब्स और हर्ब्स दो प्लांट पढ़े थे हमने, उनका डिफरेंस बताना है कि उनमें क्या डिफरेंस है, कि कैसे वो अलग अलग लगते हैं, किस किन कारणों की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 5। अब देखो बेटा हमारे क्वेश्चन थर्ड का, फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका आंसर ये है। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन हर्ब एंड शर्ब्स, ठीक है। अब इसके हर्ब और शर्ब के हमें डिफरेंसेस बताने हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचान सकते हैं। गॉट इट, चलिए फर्स्ट है हर्ब,
हब आपने पढ़ा था कि हब्स कैसा है, प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है और उसकी स्टेम्स ग्रीन होती है, वो वन सीजन तक ही चलता है, ये मैंने विशेषता पढ़ी थी ना, तो अब हम वो लिखेंगे। हब्स इज वेरी स्मॉल प्लांट, सबसे छोटा प्लांट होता है। दे लिव, वो जीवित रहता है ओनली फॉर वन सीजन, एक ही सीजन। एक सीजन का मतलब 4 मंथ, एक सीजन आपका 4 मंथ का होता है ना, विंटर हो चाहे समर हो चाहे रेनी हो चाहे ऑटम हो, वो 4 मंथ तक रहता है। तो ये जो हब्स है ना, ये एक सीजन तक ही रहता है। जैसे लाइक एग्जाम्पल, ग्रास, ग्रास होती है जो मतलब वैसी वाली ग्रास होती है ना जो आप मैदान में उगाते हो, तो वो भी उसको भी उखाड़ के दोबारा से लगाया जाता है, क्योंकि वो भी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, वो एक सीजन ही तक चलती है। वीट, आपने गेहूं देखा ही है, गेहूं की खेती पूरी साल तो नहीं होती ना, एक सीजन ही होती है ना, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो जिसमें होती है। राइस, ये भी ऐसे ही होता है। कोरिएंडर यानी धनिया, जिसको आप सब्जी वेजिटेबल बनाते हो, मम्मा उसमें डालती है सूखा धनिया या हरा धनिया, उसको कोरिएंडर बोलते हैं, ठीक है। हरे धनिया को आता है ना धनिया, उसी से सूखा बनता है, बट इट। आप नेक्स्ट है अपना सर्व्स, सर्व्स प्लांट। सर्व्स इज मीडियम प्लांट, ये ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, ये मीडियम होते हैं। मीडियम का मतलब ना तो इतना छोटा ना इतना बड़ा, मीडियम, बीच का। दे लिव फॉर मोर देन 2 ईयर, और ये 2 ईयर तक चलते हैं, 1 से 2 ईयर के बीच में चलते। कई कई पौधे 1 साल और 1.5 साल के बीच में रहते हैं, कई 2 ईयर तक, पर इनकी जो लाइफ होती है ना, जिसकी लाइफ जो सब्स प्लांट की, उनकी 2 ईयर तक समथिंग होती है, लमसम लमसम होती है। ओके बेटा, कोई कोई 1 साल भी चलता है, कोई 2 साल, कोई 1.5 साल। ओके, इसमें एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल रोज, कॉटन प्लांट। आपने रोज प्लांट पढ़ा था अपनी बुक में, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट देखा है आपने, कॉटन जो आप कॉटन जैसे आपके लग जाती है, तो आप सबसे पहले डेटॉल लगाते हो, किससे लगाते हो, कॉटन से। तो जो कॉटन प्लांट है ना, ये भी 2 ईयर तक चलता है, इसकी भी लाइफ 2 ईयर होती है। और हिना, जो कि मेहंदी, कल मैंने बताई थी कि घरों की बाउंड्री में कई पेरेंट्स घरों की जो बाउंड्री होती है उनके चारों तरफ गांव में बाउंड्री में लगाते हैं, हिना मीन्स मेहंदी, मेहंदी को बोलते हैं ना हिना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 किसका था, थर्ड वाले का, ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, कंफ्यूज मत होना बेटा, 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स से मैम रीड करेंगी और इसकी जो राइट आंसर है वो ब्लैक बोर्ड, वो बोर्ड के ऊपर लिखेंगी। ओके, चलिए, फर्स्ट, नीड सपोर्ट टू स्टैंड। अब तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट की जरूरत किस प्लांट को होती है, क्रीपर को होती है क्या? नो मैम, वो तो क्रीप करता है, किसकी होगी, क्लाइंबर को। तो फर्स्ट में क्या आएगा, क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर, क्लाइंबर को ही तो होती है सपोर्ट की जरूरत। चलिए, सेकंड, द थिक बुडी स्टेम्स ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड, जो बुडी स्टेम्स बताई थी ना ट्री की मैंने, बुडी स्टेम्स थी, इसको क्या बोलती है, इसको, इस जो स्टेम्स को बताई थी ना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा, ट्रंक, क्या बोलते हैं, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रोनी, थ्रोन्स, थ्रोन्स माने कांटे, प्रोटेक्ट द प्लांट फॉर एनिमल, कौन से एनिमल होते हैं, ग्रेजिंग, जो मतलब घास को खाने वाले होते हैं, उनसे क्या करते हैं, जो कटे, जो कांटे होते हैं, थ्रोन होते हैं, वो उनसे बचाते हैं, किनसे, एनिमल से, क्योंकि वो तो प्लांट खा जाएंगे और उनके अंदर थ्रोन होगा तो वो प्लांट को नहीं खाएंगे, तो किससे, ग्रेजिंग, लिखो बेटा। थर्ड में, GRE, बोल के लिखोगे तो स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी, GRE, सॉरी ZING, स्पेलिंग बोल के लिखो बेटा, GRAZING, ग्रेजिंग एनिमल। फोर्थ, प्लांट हैव अ सॉफ्ट स्टेम, कौन से प्लांट की सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, लिखो, वाटर प्लांट, हमने पढ़े थे ना कि जो प्लांट होते हैं, थ्रोनी प्लांट और वाटर प्लांट, जैसे पानी है, ये पानी के ऊपर जो प्लांट होते हैं कौन कौन से, तो लोटस भी पढ़ा था हमने और भी प्लांट पड़े थे, तो इनकी जो स्टेम्स होती है ना, ये वाली स्टेम्स, ये पानी के अंदर रहती है, वाटर के अंदर, तो ये कैसी हो जाती है, वीक होती है, होती है ना, तो कौन से प्लांट की, वाटर प्लांट। फोर में लिखेंगे वाटर प्लांट, वाटर प्लांट, PLANT, प्लांट। फिफ्थ, लीफ प्रिपेयर, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था प्लांट का था ना, क्या करती है लीफ, लीफ प्रिपेयर करती है फूड को, किसको, फूड को, किसके लिए, प्लांट के लिए, तो क्या होगा इसमें आंसर, फूड, फूड मींस भोजन या खाना, गॉट इट। हमारा ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको रीड करना और अपने आप फिल करना, बुक में फिल करना, फिर जब आप कॉपी में करोगे तो आपको तुरंत ही आंसर पता लग जाएगा, आपको चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5,
ड्रॉ अ प्लांट, आपको यह प्लांट जो मैंने किया था बोर्ड के ऊपर वो प्लांट ड्रॉ करना है, और उसके लेवल, लेवल यानी रूट्स, ब्रांचेस, लीफ, ये सारी लेवल को इसमें आपको लिखना है, आपको एरो लगाना है, जैसे मैम ने लगाया था वैसे एरो लगा के आपको उसका नाम लिखना है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 6, कल मैंने होमवर्क दिया था बेटे आपको, क्लाइंबर टू क्लाइंबर, टू वाटर प्लांट, टू हर्ब्स, टू शर्ब्स, तो ये वही है बेटा, क्लाइंबर, वाटर प्लांट, थ्रोनी प्लांट और ट्रीज, तो आपको इनके टू 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 नाम लिखना है। आप ये बुक पढ़ोगे और बुक के अंदर से ही आपको ये मिल जाएंगे। जिन्होंने होमवर्क नहीं करा है वो भी होमवर्क कर लें, जिन्होंने कर लिया वो तो बहुत ही गुड बॉय, गुड स्टूडेंट है, गुड गर्ल है, और नहीं किया तो बेटा होमवर्क कर लेना, इसको आप अपने आप बुक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर टू टू नाम आपको इसमें लिखनी है। ये चैप्टर हमारा प्लांट अराउंडस कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, आपको जो समझ में नहीं आया आप वापस देखना और अपना अच्छे से इसको करना, या प्लांट की पिक्चर बनाना, उसमें नाम ड्रॉ करना, जो प्लांट की पिक्चर के नाम बताए थे ना कौन कौन से, ये रहे देखो, ये सारे इनको लिखना, कहाँ रूट्स होती है, कहाँ स्टेम्स होते हैं। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर, अपना न्यू चैप्टर लेके आएंगे। कौन सा आपका न्यू चैप्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।